उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राज्य की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी दलितों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव दलित संवाद शुरुआत करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार समाजवादी लोहिया वाहिनी विभिन्न जिलों में 19 सितंबर 2021 से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी। बहुजन समाज पार्टी जहाँ एक तरफ ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी दलितों को रिझाने के लिए अप्रयास कर रही है। सपा बसपा गठबंधन के टूट जाने के बाद कई बसपा नेता, पूर्व सांसद, विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद अखिलेश को दलित वोट बैंक से उम्मीद जागी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोहिया वाहिनी करे संवाद, आएगा फिर से समाजवाद। इस नारे के साथ लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल 19 सितंबर से 27 सितंबर तक कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दलित ब्राह्मण एकता के जरिए 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया था। समाजवादी पार्टी ने अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए अब गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम पर जोर दिया है। दलित वोटर्स बसपा का कैडर बेस और पक्का वोटर माना जाता है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या वे बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए या फिर बहुजन समाज पार्टी में इंटेक्ट रहेगा। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल iOS ऐप स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।